हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू ए स्पेशल नोट ऑन प्रीपोजिशन। स्पेशली आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ इन एंड एट। सो आर यू रेडी? लिसन वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्रीपोजिशन के यूज बहुत देखे होंगे। प्रीपोजिशन इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं फटाफट, ये जो इन है और जो एट है, ये दोनों प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एट का यूज कब होता है। सबसे पहले मैं आपको एट का यूज बता दूं। एट बिफोर द नेम ऑफ लोकेलिटी एंड विलेज एंड टाउन। ये जो एट का यूज होता है, ये किसी स्थान या एरिया, गांव या कस्बा के नाम से पहले एट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल वन देखिए, रवि लिव्स एट लाइन बाज़ार। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं लाइन बाज़ार को अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि लाइन बाज़ार जो है लोकेलिटी है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, किसी लोकेलिटी हो या फिर टाउन हो या विलेज हो, इनके नाम से पहले एट लगता है। तो रवि लिव्स एट लाइन बाज़ार, तो रवि लाइन बाज़ार में रहता है। ये लाइन बाज़ार आपकी लोकेलिटी हो गई। अब एग्जांपल टू देखिए, राधा लिव्स एट माधवपट्टी। माधवपट्टी को अंडरलाइन किया गया है, माधवपट्टी विलेज है। तो मैंने बोला था विलेज के नाम से पहले भी एट लगता है, तो यहाँ पर विलेज के नाम से पहले एट लगा हुआ है। राधा लिव्स एट माधवपट्टी, राधा माधवपट्टी में रहती है। अब एग्जांपल थ्री देखिए, पंकज लिव्स एट मड़ियाहूँ। मड़ियाहूँ को अंडरलाइन किया गया है। मड़ियाहूँ क्या है? टाउन है। तो टाउन के नाम से पहले भी एट लगता है। तो लोकेलिटी के नाम से पहले एट लगता है, विलेज के नाम से पहले एट लगता है और टाउन के नाम से पहले एट लगता है। अब मैं बता दूं आपको इन का यूज। इन का यूज कब होता है? बिफोर द नेम ऑफ ए सिटी, मेट्रो सिटी एंड कंट्री। इन का जो प्रयोग होता है, वो किसी शहर, सिटी, मेट्रो सिटी, महानगर और कंट्री के नाम से पहले होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल वन, आई लिव इन जौनपुर। तो जौनपुर सिटी हो गया, सिटी के नाम से पहले इन लग गया, ठीक है, मैं जौनपुर में रहता हूँ। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल देखिए, मधु वर्क्स इन चेन्नई। मधु चेन्नई में काम करती है। चेन्नई मेट्रो सिटी हो गया, मेट्रो सिटी से पहले इन लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल थ्री है, एलिस लिव्स इन अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका क्या है? कंट्री है। कंट्री के नेम से पहले इन लग गया, एलिस अमेरिका में रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आपने इन और एट का प्रयोग देखा। तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के इस वीडियो के लेक्चर को आप नोट कर लीजिए और इन और एट के कम 10 सेंटेंस बना करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।